सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट वापस लेने का फैसला किया है। शुक्रवार देर शाम इसकी घोषणा हुई। आरबीआई ने कहा कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये फैसला लिया गया है। घोषणा के बाद से ही देश भर में हलचल का माहौल है। लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे। कोई इसे नोटबंदी बताने लगा तो कोई करप्शन के खिलाफ सरकार का एक और बड़ा एक्शन। हालांकि आरबीआई ने ये स्पष्ट कर दिया कि 2000 रुपए वैध रहेंगे और देश के लोग 23 मई से लेकर 30 सितंबर 2023 तक इन्हें बैंकों में जाकर बदलवा सकते हैं या जमा कर सकते हैं। दरअसल अभी देश में कुल 31,33,000 करोड़ रुपए की करेंसी सर्कुलेशन में, जिसमें से देश में अभी 2000 के नोट कुल 3,13,000 करोड़ रुपए की करेंसी चलन में। 2018 के बाद से ही आरबीआई ने 2000 के नोट छापने बंद कर दिए थे। आरबीआई के नए आदेश के मुताबिक अब कुल चलन में मौजूद करेंसी का 10% अगले 4 महीने में वापस बैंक से बदलना होगा या उसे जमा कराना होगा। बता दें कि नवंबर 2016 में 2000 रुपए का नोट जब आया तब भारत के लिए ऐतिहासिक खबर। वो दौर भ्रष्टाचार के खिलाफ नोटबंदी की दस्तक का था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान कर दिया था। 2000 रुपए का अंत भी अब करप्शन के खिलाफ दस्तक देते हुए किया जा रहा है। यूं तो संभव है कि आपने भी बहुत दिनों से एटीएम से 2000 रुपए का नोट निकलते ही ना देखा हो, ना ही आपके पास 2000 का नोट हो, लेकिन अगर है भी तो परेशान नहीं होना है। आपको आरबीआई ने सुविधा दी है और कहा है कि 23 मई से 30 सितंबर तक आप बैंक जाकर 2000 रुपए का नोट जमा करिए और उसके बाद बदले में नोट बदल लीजिए। रिजर्व बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में 2000 रुपए के नोट को लेकर बड़ी जानकारी दी थी। इसमें बताया गया था कि 2000 के नोट की छपाई 2018 के बाद से ही नहीं की गई। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20, वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 में 2000 रुपए के एक भी नोट नहीं छापे गए। इस वजह से बाजार में 2000 रुपए के नोटों का सर्कुलेशन कम हुआ है। 2021 में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में ये जानकारी दी कि पिछले 2 साल से 2000 रुपए के एक भी नोट की छपाई नहीं हुई। खबरी चौखट की रिपोर्ट।